सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की ओर। काशी में पीएम मोदी की मां का पिंडदान, छोटे भाई पंकज ने दशावमेघ घाट पर किया अनुष्ठान, 30 दिसंबर को हुआ था निधन। सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर निश्चित हो गया कि बीजेपी की जीत पक्की है। सपा ने दो कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए किया पार्टी से निष्कासित, पार्टी में रहते हुए निकाय चुनाव में अन्य पार्टियों के कर रहे थे दोनों कार्यकर्ता मदद। मथुरा में कम मतदान से परेशान हुए राजनीतिक दल, वार्ड स्तर पर कर रहे आकलन, कम मतदाता ने राजनीतिक पंडितों का गड़बड़ाया गणित। भाजपा ने 13 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, बलिया में बागपत बगावत कर अपने प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई बीएचयू वैज्ञानिक की मौत, हाई बीपी से दिमाग की नसें फट गई, 2 दिन पहले फ्लैट में मिली थी डेड बॉडी। संजय शेखपुरिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, रिमांड पर तीसरे दिन बदला बयान, कहा उद्योगपति ने रोजगार के लिए दिए थे पैसे। कौशाम्बी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, चचेरे भाइयों ने आम के बाग में दिया घटना को अंजाम, एक आरोपी हिरासत में। सारनाथ में बुद्ध की उपदेश स्थली पर दीपावली, महात्मा बुद्ध की 2666वीं जयंती पर दीपों से जगमगाया धमेग स्तूप। पीट पीट कर तेंदुए की हत्या, अमरोहा में खेत में घुसे 3 तेंदुए, वन विभाग ने बिछाया जाल, ग्रामीणों की लाठी से 1 की मौत। लड़की पर कमेंट करने पर युवक को अधमरा किया, 20 सड़क पर 3 लड़कों ने सिर को पैरों से कुचला, चेहरे पर चप्पल मारे। यूपी में कोरोना से 34 दिन में 43 मौत, प्रदेश में फिलहाल 1665 संक्रमित, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा प्रभावित। मम्मी पापा सॉरी लिखकर डी फार्मा की छात्रा ने किया सुसाइड, कमरे की दीवार पर लिखा मां का ख्याल रखना, पबजी गेम खेलने का था शौकीन। भदोई में 3 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र पर की थी लूट, एक जिला बदर भी गिरफ्तार। नोटों की माला पहनकर किया जनसंपर्क, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। हसनपुर में सपा प्रत्याशी की पीट पीट कर हत्या का मामला, कई थानों के फोर्स की मौजूदगी में निकली अंतिम शव यात्रा। फेसबुक फ्रेंड ने महिला के साथ किया रेप, पति को अश्लील वीडियो दिखाने की दे रहा धमकी, 2 साल पहले हुई थी दोस्ती। स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 1 की 4 महीने पहले हुई थी शादी, दूसरे की बहन की शादी 8 मई को। सुल्तानपुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 7 मिनट में कपड़ा व्यवसायी की बाइक उड़ा ले गए चोर, पुलिस में हुई शिकायत। हापुड़ में हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास, गला रेत कर हुई थी युवक की हत्या, कोर्ट ने 32,000 का जुर्माना भी लगाया।
दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में युवक पर रिपोर्ट दर्ज, कोर्ट आदेश पर हुई कार्रवाई, रेप का बनाया था वीडियो। महिलाओं का वीडियो बनाने का विरोध करने पर मारपीट, लड़कियों का बाल पकड़कर खींचा एक घायल। लखनऊ में किसान की सड़क हादसे में मौत, वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, सिपाही के बेटे ने फांसी लगाकर दी जान। मेरठ में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, 5 महीने पहले हुई थी शादी, मां से लड़ाई के बाद अब पत्नी मायके में थी। लखनऊ में 7 पुलिस वालों से ठगी, ट्रांसफर के लिए पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल जालसाजों से मांगे थे लाखों रुपए। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला किशोर का शव, एक दिन पहले संदिग्ध हालात में हुआ था लापता, परिजन बोले तंत्र मंत्र में की गई हत्या। संबंध में दो नेताओं का बीजेपी से निष्कासन, निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी काम करने पर हुई कार्रवाई। रायबरेली में स्कॉर्पियो और ट्रक में आमने सामने से टक्कर, हादसे में चालक समेत 6 घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। सुल्तानपुर में संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मोदी और अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। मेरठ में ब्रजभूषण के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन, देहात की महिलाओं ने फूका पुतला, कहा गांव में आया तो चूड़ी भेंट करेंगे। यूपी पुलिस मुख्यालय से जुड़े 7 सिपाहियों से ठगी, मनचाही पोस्टिंग और तैनाती के नाम पर सिपाहियों से ठगी, जालसाजों ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर कोड के जरिए लाखों ठगे। डब्ल्यूएचओ का कोविड पर बड़ा बयान, कहा कोविड 19 अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं, डब्ल्यूएचओ एक साल से केस घटते जा रहे हैं। लखनऊ के थाना सआदतगंज क्षेत्र में दबंगों का आतंक, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दबंगों ने घर में घुसकर पीटा, पीड़ित ने दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट का लगाया आरोप। अंसल एपीआई के निदेशक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, अंसल निदेशकों के खिलाफ 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज, शिवम सिक्योरिटी से लिए थे, गार्ड नहीं किया भुगतान। हमीरपुर में लोडर और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, दूसरे युवक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। बड़े मंगल पर जाम से निपटने की हो रही तैयारी, शनिवार से ज्येष्ठ महीने की हो रही शुरुआत, 9 मई को है पहला बड़ा मंगल, मंदिरों में होगी भारी भीड़। कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने का मामला, मौत के बाद मामले में आरोपी अतीक अहमद की फाइल हुई बंद, सीबीआई ने कोर्ट में अतीक अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दाखिल। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड का मामला, जांच आयोग टीम ने प्रयागराज पहुंचकर शुरू की जांच, पत्रकारों से भी की बात। टिल्लू ताजपुरी हत्याकांड का मामला, हत्याकांड में तिहाड़ जेल प्रशासन की जमकर हुई किरकिरी, पुलिस जवानों की लापरवाही भी आई सामने। तिरालीस छात्र छात्राओं का आईटी में हुआ चयन, आईटी कंपनी अरेमा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में चयन, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के 43 छात्र छात्राओं का चयन। देवरिया में प्रत्याशी ने वोट नहीं देने पर मजदूर को पीटा, लोहे की रॉड से सिर पर किया हमला, पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। रायबरेली में इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आई गाय, इंजन में फंसी गाय, यात्रियों में मचा हड़कंप।
यूपी में अब 8 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। कानपुर में 3 मई को बारिश ने तोड़ा 42 साल पुराना रिकॉर्ड। प्रदेश में अधिकतम पारा 48.2 डिग्री दर्ज। शाइस्ता गुड्डू और दुजाना पर यूपी एसटीएफ चीफ से बातचीत। बोले शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। 72 दिन में 4 राज्यों में छापेमारी। टिल्लो ताजपुरिया हत्याकांड में शूटर सनी का कनेक्शन। प्रयागराज में अति कश्यप हत्याकांड में शामिल था सनी। जेल में सनी से होगी पूछताछ। पीलीभीत में किशोरियों के साथ 2 आरोपियों ने किया गैंग रेप। घटना के बाद आरोपियों को ग्रामीणों ने बांध कर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आधा दूरा सुसाइड नोट और मोबाइल बरामद। लिखा, अजय पाल ने मेरे साथ किया है। हाथरस शहर में 8,000 बंदरों का आतंक। हर महीने 250 लोगों को बना रहे निशाना। हमला कर चुके हैं कई लोगों घायल। गंगा में नहाते समय पिता पुत्र और चचेरा भाई डूबा। एक शव मिला। देर रात शव नहीं मिलने पर खोजबीन हुई बंद। सीओ इंस्पेक्टर ने घटना स्थल पर पहुंचकर की जांच। कोचिंग पढ़कर लौट रही छात्रा को शोधों ने छेड़ा। क्लासमेट ने विरोध किया तो धमकी देते हुए बाइक से भाग निकले। छात्रा का वीडियो भी बनाया। किशोरी ने संदिग्ध परिस्थिति में खाया जहर। हुई मौत अचानक। बिगड़ी हालत तो बेहोश होकर गिरी। परिजन लेकर आए थे अस्पताल। सूडान से 192 भारतीयों को लाया C-17 ग्लोब मास्टर। 24 घंटे में पूरी की 9,500 किलोमीटर की उड़ान। व्हीलचेयर पर आए कई बुजुर्ग यात्री। मऊ में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। एक घायल। खेलते समय भरभरा कर गिर गई थी कच्चे मकान की दीवार। संभव में नाबालिग से रेप का आरोपी दोषी करार। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रयागराज में बनेंगे 40 पिंक टॉयलेट। शहर में महिलाओं के लिए महज एक पिंक टॉयलेट। नगर निगम ने चिन्हित किए स्थान। देवरिया की शुभम ने फिल्म स्टार को देखकर सीखा ताइक्वांडो। नेशनल चैंप में चयनित। जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए लेबनान जाएंगे। ग्रीन पार्क में बनेगी 2 लेयर की पिच। छात्रावास के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। रायबरेली में स्कॉर्पियो और ट्रक में आमने सामने टक्कर। हादसे में चालक समेत 6 घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया गया रेफर। बलिया में प्रेमी ने ऑर्केस्ट्रा डांसर को मारी गोली। गोली लगने पर अस्पताल पहुंचकर आरोपी फरार। शादी का दबाव बनाए जाने से नाराज था। दो सगी नाबालिग बहनें संदिग्ध हाल में लापता। 30 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। हाईटेंशन के पोल पर चढ़ा युवक। युवक को देखकर राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उतारा। नोएडा में हादसा। पति पत्नी और बेटे की मौत। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। 2 गंभीर। आगरा में शादी से लौट रहा था परिवार। आगरा में 8 साल की मासूम से बलात्कार। मार्केट गया था नेपाली परिवार। बच्ची को बहलाकर घर में घुसा आरोपी।
बाराबंकी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारे टक्कर, हादसे में 3 गंभीर। मतदान केंद्र के बाहर पथराव करने वालों पर कार्रवाई। फिरोजाबाद पुलिस ने 7 लोगों पर लिया एक्शन, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। अमेठी की नहर में मिला गला कटा शव, अभी तक नहीं हो पाई पहचान। 1 महीने में मिल चुके हैं आधा दर्जन शव। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक पुलिया से टकराया, ड्राइवर क्लीनर की हालत गंभीर, नींद आने की वजह से हुआ हादसा। बाराबंकी में सपा प्रत्याशी का प्रचार वाहन सीज, बेलहरा नगर पंचायत में बिना अनुमति के चलाई जा रही थी गाड़ी, लोगों ने की थी शिकायत। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 बाइक सवार की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। महिला बस कंडक्टर्स को राहत, यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, प्रेगनेंसी में नहीं करना होगा काम। बरेली के सराफा बाजार की दुकान में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दूल्हे की मालाओं के लिए लाए गए 6 लाख के नोट भी जले। सोनभद्र में 10 लाख कैश पकड़ा, चेकिंग अभियान चलाकर स्कॉर्पियो से पकड़ी गई रकम, पुलिस को कागज नहीं दिखा सका चालक। मवई बुजुर्ग में तालाब का सुंदरीकरण का काम हुआ शुरू, ग्रामीणों को गर्मी से मिलेगी निजात, गर्मी में वाटर लेवल भी गिर जाता है नीचे। हसनपुर में बंद पड़े मकान में चोरी, कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर, गांव गया हुआ था पूरा परिवार। चांदपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जिला अध्यक्ष और समर्थकों पर मुकदमे दर्ज, 16 नामजद के साथ ही 21 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग। पचहत्तर जिलों की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।